हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य एंड वेलकम टू बी अ गीक। आज हमारे पास हैकर रैंक की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है डे ऑफ द प्रोग्रामर। आज हम इसे सोल्व करने वाले हैं। मारिया इन्वेंटेड अ टाइम मशीन एंड वांट्स टू टेस्ट इट बाय टाइम ट्रैवलिंग टू विजिट रसिया ऑन द डे ऑफ द प्रोग्रामर द 256th डे ऑफ द ईयर ड्यूरिंग अ ईयर इन द इंक्लूसिव रेंज फ्रॉम 700 टू 2700। बेसिकली मारिया ने एक टाइम मशीन बनाई है और वो डे ऑफ द प्रोग्रामर वाले दिन रसिया विजिट करना चाहती है, और जो रेंज है वो 1700 से 2700 के बीच में है ईयर्स की। इसके बाद में दिया हुआ है फ्रॉम 1700 टू 1917 रसिया ऑफिशियल कैलेंडर वाज द जूलियन कैलेंडर। सिंस 1919 दे यूज द ग्रेगोरियन कैलेंडर सिस्टम। द ट्रांजिशन फ्रॉम द जूलियन टू ग्रेगोरियन कैलेंडर सिस्टम अकर्स इन 1918 व्हेन द नेक्स्ट डे आफ्टर जनवरी 30th वाज फरवरी 14th। बेसिकली क्या किया है, 1917 के बाद में जो रसिया में कैलेंडर चेंज हुआ है, पहले वे जूलियन कैलेंडर यूज़ करते थे, उसके बाद में वे ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ करने लगे, और जो उसमें ट्रांजेक्शन हुआ वो 1918 में हुआ है। और जब 1918 में ऐसा हुआ तो तब वहाँ पे 31st जनवरी के बाद में सीधा उन्होंने 14 फरवरी आ गई, और उन्होंने डे स्किप कर दिए, 14 डे स्किप कर दिए, और 1919 के बाद में वो इजीली सिंपल जैसे चलता है ऐसे ही चलने लगा। दिस मींस डैट इन 1918 फरवरी 14 वाज द 32th डे ऑफ द ईयर इन रशिया। तो बताते हैं कि जो 14th फरवरी है 1918 में वो 32th डे होगा। इन बोथ कैलेंडर सिस्टम फेब्रुवरी इज द ओनली मंथ विद अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ डेज। इट हैज 29 डेज ड्यूरिंग अ लीप ईयर एंड 28 डेज ड्यूरिंग ऑल अदर ईयर्स। इन द जूलियन कैलेंडर लीप ईयर आर डिविजिबल बाय 4। इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर लीप ईयर आर आइदर ऑफ द फॉलोइंग डिविजिबल बाय 400, डिविजिबल बाय 4 एंड नॉट डिविजिबल बाय 100। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा लीप ईयर है वो जूलियन कैलेंडर में 4 डिविजिबल बाय 4 है, और जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके अंदर वो डिविजिबल बाय 400 होना चाहिए, डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए और नॉट डिविजिबल बाय 100 होना चाहिए। इसके बाद में हमें करना क्या है, बेसिकली प्रोग्राम अब स्टार्ट होता है, हमें करना क्या है। गिवन अ ईयर वाई फाइंड द डेट ऑफ द 256th डे ऑफ दैट ईयर अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल रशियन कैलेंडर ड्यूरिंग दैट ईयर। देन प्रिंट ऑफ द फॉलोइंग डेट मंथ ईयर एंड वेयर डी डी इज अ टू डिजिट डे, एम एम इज द टू डिजिट मंथ एंड वाई 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 इज द ईयर। फॉर एग्जाम्पल द गिवन ईयर 1984 इज डिविजिबल बाय 4, सो इट इज अ लीप ईयर एंड 256th डे ऑफ द लीप ईयर After 1918 is September 12, so the answer is 12/9/1984। तो बेसिकली हमारे पास यही प्रोग्राम है और हमें इसे ही करना है। हमें 256th डे निकालना है कि कौन सा आता है एक ईयर में। इसके बाद में इनपुट फॉर्मेट है, और हमारे पास इनपुट फॉर्मेट में एक सिंगल इंटीजर होगा जो डोनेट करेगा हमारा ईयर, और ईयर का हमें स्टार्टिंग में पता है कितना है। आउटपुट फॉर्मेट में क्या है, हमें अपनी डेट प्रिंट करा देनी है डॉट के साथ में। जो फॉर्मेट होगा डे डे डी डी डॉट एम एम डॉट वाई 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 हमारा बेसिकली ये होगा। तो अपना प्रोग्राम करना स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम काफ़ी इंटरेस्टिंग है और सिंपल भी है। तो सबसे पहले अपना प्रोग्राम करना स्टार्ट करते हैं। अपनी हेडर फाइल से स्टार्ट करते हुए सबसे पहले अपनी हेडर फाइल आएगी stdio.h एंड देन अपना मेन फंक्शन आएगा, और मेन फंक्शन के बाद हमें क्या करना है, अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं जो हमें एक ही लेना है वाई नाम से। और इसके बाद में हमें क्या करना है, स्कैन करा लेना है अपना वाई को, एड्रेस ऑपरेटर वाई। अब हमें ईयर मिल गया है, अब हमें इस ईयर के अकॉर्डिंग करना है। हमारे पास यहाँ पे तीन कंडीशन निकल के आएंगी। पहली कंडीशन होगी जब हमारा ईयर 1918 से छोटा होगा, जो कि हमारा जूलियन कैलेंडर के अंदर लाई करेगा। लेट मी एक्सपेंड दिस लिटिल मोर। जो हमारा जूलियन कैलेंडर के अंदर लाई करेगा, या हो सकता है हमारा वो 1918 से बड़ा हो, तब वो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर में लाई करेगा, और ऐसा हो सकता है वो 1918 के इक्वल हो,
ये हमारे पास तीन कंडीशन निकल के आती हैं। तो सबसे पहले इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ ईयर लेस देन है 1918 के, तो मतलब ये हमारा जूलियन कैलेंडर के अंदर है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो सकता है, इफ अगर हमारा जो ईयर है वो लीप है, जो जो हमारा जूलियन कैलेंडर है उसमें लीप ईयर होने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन दी गई है, लेट मी शो यू। लीप ईयर आर डिविजिबल बाय 4, जो हमारा लीप ईयर है वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, y को डिविजिबल बाय अगर 4 है तो वो हमारा एक लीप ईयर है। देन हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर हमें प्रिंट क्या कराना है, ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। हम इसे बार बार ऐसा कैलकुलेट नहीं करेंगे जैसे उन्होंने एग्जाम्पल में कैलकुलेट किया है, लेट से जैसे इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट किया और फिर सब्सट्रैक्ट करके जो ऐड किया है, इस तरह हम कैलकुलेट नहीं करने वाले। हमें पता है अगर 256th डे है, अगर वो लीप ईयर है तो वो 12 सितंबर होगा, अगर वो लीप ईयर नहीं है तो 13 सितंबर होगा। ये मैंने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया है, आप भी एक बार उसे कैलकुलेट करके देख सकते हो या फिर आप नीचे एग्जांपल में देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर वो लीप ईयर है तो 12 सितंबर होगा, और हम अपना ऐसे डेट फॉर्मेट लिखेंगे एंड देन इसके बाद में अपना परसेंटाइल डी और अपना जो हमारा ईयर है उसे प्रिंट करा देंगे। इसके बाद में हम अपनी एल्स कंडीशन लगाएंगे और इसमें भी प्रिंट एफ लिखेंगे, और बेसिकली वो ही है, अगर वो लीप ईयर नहीं है तो वो क्या होने वाला है, हमारा 13 सितंबर वाला होने वाला है, तो इसके लिए हमने 13.09 एंड देन अपना परसेंटाइल डी और अपना यहाँ पे वापस से हम अपना ईयर प्रिंट करा देंगे। इसके बाद में हमारा जो वर्क है लेस देन 1918 के लिए हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में एक कंडीशन और लगाते हैं एल्स इफ के अंदर। जब हम एल्स इफ के अंदर अपनी कंडीशन लगाएंगे, वो कंडीशन होगी ईयर अगर हमारा 1918 से बड़ा है तब हमारे पास क्या चेक करना है, तब वो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर में आ जाता है, तब हम इफ कंडीशन लगाएंगे। और इफ कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, अब की बार अगर लीप ईयर है हमारा तो हमें चेक करना होगा, लेट मी शो यू हमें क्या चेक करना है। ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उसके लिए हमारे पास जो है ये रहा डिविजिबल बाय 400, अगर वो डिविजिबल बाय 400 तो हमारा वो एक लीप ईयर है, अदरवाइज अगर वो डिविजिबल बाय 4 है और नॉट डिविजिबल बाय 100 है देन वो भी हमारा एक लीप ईयर है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कंडीशन लगानी है और हम यहाँ पे अपना एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे और हम अपना यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो लिखते हैं कंडीशन के अंदर, इफ ईयर इज डिविजिबल बाय 400 देन इट विल बी अ लीप ईयर, और इफ जो हमारा ईयर है वो डिविजिबल बाय है 4 के देन वो हमारा लीप ईयर होगा। एंड इसके अंदर एक और कंडीशन निकल के आती है, इफ अगर हमारा ईयर शुड बी नॉट डिविजिबल बाय 100, जो हमारा ईयर है वो 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली हमारी इसकी कंडीशन भी हमने लिख दी है। अब हमें यहाँ से पता लग जाएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग कि हमारा लीप ईयर है या नहीं है। तो हमें बेसिकली अब यहाँ पे करना क्या है, अपना प्रिंट एफ लगाना है, और हमें पता है अगर वो लीप ईयर है तो हमें यहाँ पे 12 सितंबर मिलेगा, जो कि हमने कैलकुलेट किया है और आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हो। आप वैसे भी इसे कैलकुलेट कर सकते हो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है, बट हमें प्रोग्राम बनाना है तो हम यहाँ पर अपना मैथमेटिकली अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, हमारा प्रोग्राम है, हम कैसे भी करें। इसके बाद में वापस से अपना प्रिंट एफ लगाना है, अगर वो लीप ईयर नहीं है तो हमें क्या करना है, बेसिकली वो 13 सितंबर आएगा और अपना यहाँ पे अपना ईयर प्रिंट करा देना है, और अपना हमारा ईयर प्रिंट हो गया है। अब हमारा इतना वर्क तो कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा बचता है एक और वर्क, जब हमारा वो 1918 होगा, अगर हमारा 1918 से बड़ा है तब भी हमने कर दिया,
1918 से छोटा है, तब भी हमने कर दिया। तो हमारे पास हमें एल्स लगाना है जितनी भी कंडीशन होगी, और वो एक ही कंडीशन होगी जब वो 1918 के इक्वल होगा। अगर वो 1918 के इक्वल है तो हमें यहाँ से जो डेट मिलेगी, हम जानते हैं कि 1918 में जो हमारा 32वां डे है वो 14 फरवरी है, हमने 14 डेज स्किप किए हैं। अगर हम उसे कैलकुलेट करें, बेसिक अगर हम उसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमें जो डेट निकल के आएगी वो निकल के आती है 26 सितंबर। तो हम यहाँ पे अपना बेसिक 26 सितंबर अपना प्रिंट कराएंगे, और आप उसे जाके देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि कैसे निकल के आ रही है, कोई इशू नहीं है। एंड अपना ईयर प्रिंट करा देंगे और हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट में अगर आप चाहते हो तो यहाँ से रिटर्न करा देते हैं 0, और अपना कोड को रन कराते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस प्रोग्राम का कोड मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आप वहाँ पर मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं, आप मेरे को हैकर रैंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और जितनी भी लिंक्स हैं वे डिस्क्रिप्शन में हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। थैंक यू एंड बाय हम बोलेंगे जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। थोड़ा लैपटॉप स्लो है सो वेट करते हैं, और इंटरनेट कनेक्शन भी स्लो है। सो थैंक यू एंड बाय बाय।